हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज से हम लोग नेवी SSR डबल ए और SSR और एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए फिजिक्स में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है और अपना स्कोर कमेंट करना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1 pF इज इक्वल टू, 1 pF बराबर कितना होता है। यही आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है 10^-24 फैराडे, बी है 10^-18 फैराडे, सी है 10^-12 फैराडे और डी है 10^-6 फैराडे। तो आपको आंसर कमेंट कीजिए। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, 1 pF बराबर क्या होता है। 1 pF बराबर होता है 10^-12। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है यानी किसकी मात्रक है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी मात्रक है। तो चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, एनर्जी का मात्रक होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, एनर्जी का होता है। और बल का आपका न्यूटन होता है, विभवांतर का आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, तो एनर्जी का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा। आप लोग इसका फार्मूला सबसे पहले जान लीजिए। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, फोर्स अपान एरिया। तो ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पे न्यूटन -2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है। आपका ऑप्शन ए है विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस का, सिर्फ रेजिस्टेंस का, सी है डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का, या डी नन ऑफ दीज। इसमें से किसका मात्रक ओम मीटर मात्रक है। तो आपको फार्मूला याद होगा तो आप लोग तुरंत कर लेंगे, ओम मीटर किसका मात्रक है। अगर आपको याद हो तो रो इक्वल टू होता है आर इंटू एल अपान ए। ठीक है, आर इंटू एल अपान ए। अगर आप लोगों को फार्मूला पता हो तो आप लोग फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा रो इक्वल टू, इसको रो बोल सकते हैं, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल है, आर इक्वल टू मतलब। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर मात्रक है, ऑप्शन ए विशिष्ट प्रतिरोध का, ऑप्शन बी प्रतिरोध का, सी द्विध्रुवीय आघूर्ण का। इंग्लिश में देख लीजिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डाइपोल मोमेंट, और डी है नन ऑफ दिस। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका अगर फार्मूला आपको याद हो, इसका साथ साथ में इसका फार्मूला देखते जाइए कि इसका फार्मूला क्या होगा, किसका यूनिट है। इसका सही आंसर है विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला देख लीजिए, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल, आर इंटू ए अपान एल। ये आपका केस का फार्मूला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला है। आप लोग इस फार्मूला को लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर मात्रक। इसका होता है ओम मीटर। ठीक है, कैसे, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, लेंथ का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओम मीटर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ओके, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो रेडियो सक्रियता की इकाई है, क्या इकाई है। देखिए ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है रेट्रेजन, ऑप्शन सी है बैक्वेरल और ऑप्शन डी है क्यूरी। तो बताइए रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। और आप लोग पढ़े होंगे तो इसका ऑप्शन टिक कर लेंगे। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर डी है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। और सबसे बढ़िया बात यह है इस क्वेश्चन में कि आप लोग ये बताइए 1 बैक्वेरल के बराबर कितना क्यूरी होता है, 1 बैक्वेरल बराबर कितना क्यूरी होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए।
तो मैं बता देता हूँ आपको, 2.703 × 10⁻¹⁻ क्यूरी, ठीक है, इसका इतना मान होता है। ये लोग एक वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, स्व प्रेरकत्व का बीमा क्या होगा, आपको इसको सॉल्व करना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ए एम एल टी पे माइनस टू ए पे माइनस टू, बी एम एल स्क्वायर टी पे माइनस वन ए पे माइनस टू, सी एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू ए पे माइनस टू, डी एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू ए पे माइनस वन। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कैसे, इसका एक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, ई एल डी आई अपान डी टी। ई आपका क्या है, इलेक्ट्रोमेटिव फोर्स है। एल आपका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। डी वाई डी टी आपका क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट आपका क्या है, डी आई बाई डी टी। इससे आप लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू ए पे माइनस टू, इसका डायमेंशन होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, 12 का -22, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की बीमा है। आपका ऑप्शन ए है एम पे माइनस वन एल टू टी पे माइनस थ्री ए पे माइनस टू, बी है एम वन एल टू टी पे माइनस थ्री ए पे माइनस वन, और सी है एम वन एल थ्री टी पे माइनस थ्री ए पे माइनस वन, और डी है एम माइनस वन एल माइनस टू टी पे फोर ए टू, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इंटू ए, ठीक है, फाई ई इंटू ए। ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया है, ठीक है। और ई का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू, ठीक है, ई बराबर एफ एफ अपान क्यू। एफ क्या है आपका, फोर्स है, क्यू आपका क्या है, चार्ज है। अगर यहाँ से अगर आप लोग इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो एफ का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए एम एल टी पे माइनस टू, और क्यू का क्या होता है, क्यू इज्कवल टू ए टी होता है आपका, क्यू का डायमेंशन ए टी होता है। कैसे, क्यू इज्कवल टू आई टी होता है, इसका फार्मूला आई को ए से, टी को टाइम को टी से, तो ए टी हो जाएगा आपका, क्यू इज्कवल टू ए टी इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर भेजेंगे तो एम एल टी पे माइनस थ्री ए पे माइनस वन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन किया कितना आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया एम एल टी पे माइनस थ्री ए पे माइनस वन, और इंटू एरिया था, इंटू क्या था, एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा एम एल क्यू टी पे माइनस थ्री ए पे माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे वन लिख लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की बीमा है। आप ऑप्शन देख लीजिए, ए एम एल स्क्वायर टी पे माइनस वन, ऑप्शन बी एम एल स्क्वायर टी, ऑप्शन सी एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, ऑप्शन डी एम पे माइनस वन टी पे माइनस टू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आप लोग प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला जान जाएंगे आप लोग तो इसका डायमेंशन आप लोग आराम से निकाल लेंगे। डायमेंशन निकालना बहुत ही ईजी है, तो इसका फार्मूला जानते हैं। देखिए h बराबर होता है ई अपान फ्रिक्वेंसी, यानी ई आपका क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा, फ्रिक्वेंसी क्या है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। ई एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ई बराबर क्या होता है फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी का वेलोसिटी एल टी पे माइनस वन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू। अब फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, वन अपन टी यानी टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा टी माइनस वन। तो देखिए एनर्जी का कितना आया था, एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, फ्रीक्वेंसी टी पे माइनस वन, ठीक है, टी पे माइनस वन, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल स्क्वायर टी पे माइनस वन,
यही आपका आएगा प्लैंक कांस्टेंट यानी एच की बीमा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में एक बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार एयरफोर्स में पूछा गया है, एक बार नहीं दो बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ एल अपान आर इज इक्वल टू, ठीक है, एल बटे आर की बीमा बराबर है, किसके बराबर है, पहला ऑप्शन द्रव्यमान के यानी मास के, दूसरा ऑप्शन समय के बीमा के बराबर टाइम के, तीसरा ऑप्शन फोर्स के बीमा के बराबर यानी बल के, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे यल क्या है, यल आपका इंडक्टेंस है यानी सेल्फ इंडक्टेंस है, यल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस है, और आर क्या है रेजिस्टेंस है। तो अभी अभी मैंने पहले क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन बताया था और रेजिस्टेंस का भी, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होता है आप लोग याद कर लीजिए, एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू ए पे माइनस टू, और आर रेजिस्टेंस का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पे माइनस थ्री ए पे माइनस टू, ठीक है। एम से एम कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, ए पे माइनस टू कैंसिल, बचेगा टी पे माइनस टू और टी पे अपन टी माइनस थ्री, जब टी माइनस थ्री ऊपर जाएगा यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ टी बचेगा, टी क्या क्या होता है टाइम होता है, यानी जो एल बाई आर है वो किसके बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ टाइम यानी समय के बीमा के बराबर हो जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स ग्रुप एक्स में या नेवी SSR एंड SSR डबल ए में पूछे जाते हैं, सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट यूज करना रहता है और कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, बल आघूर्ण की बीमा है, ठीक है, ऑप्शन ए एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, ऑप्शन बी एम एल टी पे माइनस टू, ऑप्शन सी एम एल टी पे माइनस वन, और ऑप्शन डी एम टी पे माइनस टू। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको अगर डायमेंशन निकालो या यूनिट निकालो और उसका फार्मूला याद है आपको, तो आप लोग आराम से उसका डायमेंशन या यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जानिए टार्क का फार्मूला क्या होता है, टार्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। बल का फार्मूला, बल का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, अगर नहीं याद हो तो आप लोग एक बार याद कर लीजिए, एम ए, एम क्या है मास, ए क्या है एक्सीलरेशन, तो एम में एम मास, ए का एक्सीलरेशन का क्या होता है एल टी पे माइनस टू, ठीक है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा एम एल टी पे माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू डी का क्या है एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ए है, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।